IJS फर्नीचर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं IJS की जानिब से वीडियो। तो मैंने एक बेड वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वीडियो मैंने बनानी है कि डिग्री ठाल किस तरह बनाएंगे, यानी कि से हम डिग्री में किस तरह कोई चीज़ को काट सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। नीचे हमने तीन से चार इंच के नीचे हमने MDF ली है, लसानी का प्रेस लिया, सॉरी 5 सूत्र की लसानी ली है और उसके साइड पे हमने लगा दिया कोई भी, यानी कि चिपबोर्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं साइडों पे इंच का ना, वो हमने लगा लिया। और जो दरमियान में इसका साइज़ जो खाली जगह है उसको हमने साइज़ करके और इस पूरे का दरमियान हमने करना है। दरमियान करने के बाद हमने जो सा ये दरमियान वाला साइज़ है इसको, यानी कि दरमियान में हमने कार के उतना लगा देना है निशान, जैसे कि आप ये तकरीबन 1 इंच 6 सूत्र हैं, 7 सूत्र है तकरीबन इतना है। तो हमने इसको दरमियान में लाइन लगा के फिर आधा इस साइड और आधा इस साइड निशान लगा देना है। उसके बाद ये हमने उसके बराबर आके देख सकते हैं आपके, हमने जितना हमारे दरमियान वाली खाली जगह है उसी जितना हमने इधर निशान लगाया है। दोनों तरफ इस तरह निशान लगा के हमने फिर किसी भी गुनिया की मदद लेके, आरी की मदद लेके, ये जो सी लाइन है इसको इस कोने से लेके उसको वो जो था फ्रंट पे उसका कोना आएगा, आप देख सकते हैं किधर लाइन लग रही है, उस तरीके से हमने लाइन लगा लेनी है। यह हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है और अब इसको आरी की मदद से बिल्कुल सीधा काट लेना है हमारी लाइन के ऊपर बराबर रख के। और लाइन आरी से काटते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिधर जिधर हमारी ये लाइन आ गई इसके अंदर 2-3 कीलें लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर हमारी लाइन कीलें अगर हम नहीं लगाएंगे इसको ये टूट जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। आप ये देख भी सकते हैं कि हमने लाइन लगाई है एक तरफ, तो हमें पता अंदाज़ा हो गया किधर किधर हमारे दरमियान में कील लगेंगे ताकि हमारी वो जगह टूटे ना, तो हमने वहाँ पर कील लगा लिए। इसी तरीके से आपने भी कील लगा लेनी है, काफ़ी आसान। आगे जाके इसका काम भी बताएंगे, इसका काम क्या और ये क्यों बना रहे हैं हम, ताकि आपको समझ आ जाए। यह भी काफ़ी कील हमने लगा दी है ताकि हमारा फ्यूज जो है वो मजबूत हो जाए, उसमें कोई भी खराबी वगैरह ना आए और हमारे जो सी कटिंग है वो बिल्कुल प्लेन यानी कि गुनिया में हो, उसमें कोई भी फर्क ना आए। अब ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी उसी तरीके के साथ काट लेना है और देख लेना है आपका किधर किधर कील लग रही है। तकरीबन हमारी ठाल कंप्लीट हो गई है, तो अभी आप इसको काटने का तरीका देख लें काटा किस तरह जाता है। ये मिसाल के तौर पे हमारा एक पीस है, हमने इसको इसका फ्रेम बनाना है, यानी कि इसको फ्रेम में हमने बनाना है। अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह बना रहे हैं।
ये अभी देखें हमारा कितना आसानी के साथ बिल्कुल, यानी कि साइज़ हमारा बराबर आएगा, चार हम लोग जितना काटना चाहें बिल्कुल आसानी के साथ काट सकते हैं। और ये हमारा प्लेन यानी कि कटी गया, डिग्री में कटी गया। यार जो आपको दिखाया जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या से फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, नहीं। ये आप इसको दूसरी तरफ से काट रहे हैं ताकि जो हमने साइज़ लिया है उसका बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा यानी कि उसके ऊपर रखी गया है और बिल्कुल यानी कि बराबर है दोनों साइडें। आप चेक कर सकते हैं किस तरह डिग्री में कटिंग हुई है। दूसरा पीस भी हमने एक तरफ से काट के फिर उसका साइज लेना है। अब ये देखें कि अब आप देखें ये कोना बिल्कुल सही बैठ गया है, हाल यानी कि जगह से सही अच्छी तरह से बैठ गया है। और बाकी हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करें ताकि मज़ीद आपके दोस्त जो इंफॉर्मेशन ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मज़ीद नई वीडियो आएँ और आपको मिलती रहें। और आप ये देख सकते हैं सारी हमारा अच्छी तरह से कोने बैठ गए हैं, फिर इनको कीलों की मदद से लगा के ये हमारा हल थी। तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।